गुरुवार को सुबह 7:45 से शुक्रवार को सुबह 6 बजे तक क्विंटिलियन मीडिया ग्रुप के करीब 500 पत्रकार और दूसरे प्रोफेशनल्स को लगातार 23 आवर्स तक भारत के टैक्स अधिकारियों ने बेहद ही आपत्तिजनक तरीके से ऑलमोस्ट बंधक बनाकर रखा। लेकिन हमें अपनी टीम पर बहुत गर्व है जिसने इन टैक्स अधिकारियों को भरपूर सहयोग किया, यहाँ तक पक्का किया कि सर्च और सर्वे ऑपरेशन के दौरान टैक्स अधिकारियों की नज़र से कुछ भी छूटने ना पाए। लेकिन जब करीब 3 घंटे बाद हम जब सोकर उठे, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, तो सरकार के लोगों की तरफ से मामले को एक बेहुदा मोड़ देने की खुल्लम खुल्ला कारस्तानी देखकर हम काफ़ी हैरान रह गए। बताया गया कि सर्च और सर्वे का ये कदम साल भर से जारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स घोटाले की जांच का हिस्सा है, जिसमें राघव बैल यानी कि मैं और मेरी पत्नी ऋतु कपूर को 118 करोड़ रुपये की बोगस कमाई हुई है। बात का कोई पतंगड़ बनाए बगैर मैं इस मामले से जुड़े तमाम तथ्य यानी कि फैक्ट्स, दावे नहीं, नॉट क्लेम्स, ओनली फैक्ट्स नॉट क्लेम्स सामने रख रहा हूँ। तमाम नफे और नुकसान, गेन्स और लॉसेस के बारे में जानकारी संबंधित साल के टैक्स रिटर्न में बहुत ही विस्तृत तरीके से डिटेल से घोषित की जा चुकी है। और सबसे अहम बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ नोट कीजिए, सबसे अहम बात है कि इसी सरकार ने इन टैक्स रिटर्न्स को मंजूरी भी दी है। मतलब साफ है, हमारे टैक्स रिटर्न को बोगस दिखाने की ये जो मनगढ़ंत चाल है, हम इस मामले में अपने नाम और प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए सभी कानूनी तरीके अपनाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने हमें और चौकन्ना भी कर दिया है कि आगे भी सरकार और हथकंडे अपना सकती है। इसलिए कल की पूछताछ से जुड़े अहम बातों के आधार पर हम निष्पक्ष लोगों के सामने, अगर आप नॉन पार्टिजन हैं और फेयर हैं, तो हम आपके सामने ये तथ्य, अगेन ये फैक्ट्स हैं, दावे नहीं हैं, क्लेम नहीं है, रखना चाहते हैं, ताकि जो खुद ही आप लोग सही गलत का फैसला आप खुद ही कर सकें। तो पहला पॉइंट है कि घर में कैश और ज्वेलरी, कुल मिलाकर कैश 356,000 रुपए हुआ और भारतीय करेंसी में था, और साथ ही करीबन 33 लाख रुपए के आधुनिक और पुश्तैनी एंसेस्ट्रल, जो कि मतलब चले आते रहते हैं जनरेशन से जनरेशन, वो गहने मिले। ज़्यादातर गहने मेरी 82-year-old मदर, 82 साल की माँ की अलमारी में थे। अब ये पूरी संपत्ति पुराने रिटर्न में घोषित की जा चुकी है। लेकिन क्या आपको ये हैरान करने वाली बात दिखती है कि इस पीढ़ी, मेरी मदर की पीढ़ी के लोग इतने गहने और कैश अपने पास रखना चाहते हैं, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है उससे। दूसरा पॉइंट है लंदन वाला फ्लैट। चूंकि हमारे दोनों बच्चे लंदन की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, इसलिए हमने फैसला किया था कि घर खरीदने के लिए हम फैमिली के तौर पर कानूनी भेजे जाने वाले रकम, जिसको कि LRS कहते हैं, ये RBI आपको अलाउ करता है, $250,000 पर फैमिली मेंबर पर ईयर आपको RBI अलाउ करता है कि आप इसको बाहर निवेश इसका कर सकते हैं। तो हमने कुछ साल पहले एक नया अपार्टमेंट बुक किया था और इसके लिए अपने सालाना LRS का इस्तेमाल भी किया था। इन सभी बातों की जानकारी हमारे इनकम टैक्स फाइलिंग, जो पुरानी इनकम टैक्स फाइलिंग के शेड्यूल F हैं, उनमें दी गई है। दरअसल टैक्स अधिकारियों ने कल हमसे आधा दर्जन बार, कम से कम 6 बार तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने, जब आपने ये अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग करी थी, तो क्या आपने शेड्यूल F में ये सारे रिटर्न दे दिए थे, क्या आपने अपने ओवरसीज़ बैंक अकाउंट्स का डिटेल भी दिया था। तब हमने उनको उतना ही ज़्यादा, आधा दर्जन बार, 6 times हमने भी हाँ में जवाब दिया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा इससे थोड़ा निराश हो गए कि ये जवाब 6 बार हाँ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, RIL की ट्रांजैक्शन, इसके बाद उनका फोकस जो था वो नेटवर्क 18 की तरफ हो गया। वो 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेचे गए शेयरों की बिक्री के बारे में हमसे पूछने लगे। हमने उन्हें तुरंत शेयर बिक्री अग्रीमेंट की कॉपी दे दी और इस बारे में हुए सारे ईमेल भी उनको दिखा दिए। इसके बाद अधिकारियों ने नेटवर्क 18 की सब्सिडरीज के बारे में ढेरों सवाल पूछे और हमने यही कहा कि देखिए, कंपनी से हटने के बाद हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है
और इसके लिए उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें नेटवर्क 18 से ही मिलेगी। पॉइंट नंबर चार जो था वो वायकॉम 18 जॉइंट वेंचर के बारे में था। ये आपको ध्यान होगा 2008 में हुआ था, 10 साल पहले हुआ था और इसको लेकर उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था। उनको लग रहा था कि टीवी 18 ने इसमें राउंड ट्रिपिंग करी। अब देखिए कितने हैरान करने वाली बात है कि वायकॉम इतना बड़ा ग्लोबल कॉरपोरेशन और टीवी 18 दोनों की ऐसी सांठगांठ हो जाए कि टीवी 18 इसको राउंड ट्रिपिंग करवा ले उस बड़ी कॉरपोरेशन से, तो एकदम समझ ना आने वाली बात है। तो लेकिन उनके मन में और भी कन्फ्यूजन था। वो हमारी दूसरी जो सब्सिडरीज थी तब की, जैसे कि होमशॉप 18 और इंडिया फिल्म कंपनी और वायकॉम 18 में, उनको इन तीनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। तो याददाश्त के आधार पर जो भी हमें याद था हमने उनको बताया और फिर उसके बाद कहा कि देखिए इसमें अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वो तो आपको सिर्फ नेटवर्क 18 ही दे पाएगी। अब पॉइंट नंबर पाँच पे आए, वो था ब्लूमबर्ग क्विंट जॉइंट वेंचर के बारे में। अब ये बहुत ही हैरानी वाला पॉइंट रहा। वो कहते रहे कि हमने FIPB का अप्रूवल लिया ही नहीं है और बिना अप्रूवल लिए ही ब्लूमबर्ग ने 10 करोड़ रुपया हमारे जॉइंट वेंचर में डाल दिया। और फिर तो उन्होंने एक और सॉर्ट ऑफ सस्पिशन रेज करी कि देखिए ये भी मामला राउंड ट्रिपिंग का है, जैसे कि हम लोग ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी कंपनी के साथ ऐसी कंस्पिरेसी कर सकते हैं कि राउंड ट्रिपिंग कर लें, कि वो 10 करोड़ रुपये हमारी कंपनी में डाल दें विदाउट अप्रूवल। लेकिन जब हमने उनको FIPB की मंजूरी की कॉपी दिखाई तो उस वक्त उनको सच्चाई को मानना पड़ा और तो उनके पास कोई चारा नहीं था। यहाँ पे मैं एक और थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि आज फ्राइडे की सुबह सबसे बड़े बिजनेस अखबार में खबर छपी है कि BQ TV चैनल को मंजूरी मिलने में 2 साल की देरी की वजह है गृह मंत्रालय की ओर से उठाया गया सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला। तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती और ये चुनौती मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि वो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में रखें। हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी से जुड़े मामले पर हमको हरी झंडी दिखाई है, उन्होंने हमको अप्रूवल दिया है। देरी की वजह जो है वो कुछ और है, कहीं और है। अब पॉइंट नंबर 6, ये था एडवांटेज या अर्टिविया या रेड्डी से रिश्ता। उन्होंने पूछा कि क्या एडवांटेज कंसल्टिंग या अर्टिविया डिजिटल, जो कि एक UK की कंपनी है, या किसी एक सज्जन जिनका नाम है CBN रेड्डी के साथ कभी भी हमारा कारोबारी रिश्ता रहा है, कोई हमारी उनके साथ ट्रांजैक्शन हुई है? इसमें तो हमें कोई कश्मकश थी नहीं, हमने तो एकदम जवाब दे दिया, देखिए नहीं साहब बिल्कुल नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं हुआ कि हमने किसी से भी इन सबसे किसी से भी किसी तरह का कभी भी हमारा कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रहा है। नंबर 7 था सहयोगी कंपनियों पर भी छापा। एक साथ सर्वे सर्च उन कंपनियों पर भी किए गए जहां हमारे निवेश हैं, जहां हम इन्वेस्टर हैं, जहां हम उनको चलाते नहीं हैं, जैसे कि बेंगलुरु में द न्यूज़ मिनट, बेंगलुरु में ही, और ये तो मीडिया कंपनी भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कंपनी है क्विन टाइप, और दिल्ली में यूथ की आवाज़। अगर सर्वे और सर्च का मकसद 2014 के कारोबार से था तो फिर इन कंपनियों पर सर्वे और सर्च क्यों हुआ? इन सारी कंपनियों में निवेश तो 2015 के बाद किया गया है। इनके रोज़मर्रा ऑपरेशन भी, जैसे मैंने बोला कि हम लोग तो कंट्रोल नहीं करते, ये सिर्फ एक निवेश है, तो इनको निशाना क्यों बनाया गया? मतलब मकसद यही था कि कहीं ना कहीं, कुछ ना कहीं, समहाओ कहीं से कुछ फंस जाए, कोई मछली फंस जाए। पॉइंट नंबर 8, टैक्स सर्वे में प्राइवेट एक्सपर्ट। ये तो बड़ी ही अजीबोगरीब बात थी, क्योंकि हमारे ये पहला अनुभव था, इसलिए पहले से हमें तो नहीं पता था कि इस ऐसे ऑपरेशन में जहां डेटा निकालना होता है, उसमें निगरानी करनी होती है, प्राइवेट एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। तो हमारे प्राइवेट डेटा की प्राइवेसी का क्या? ये टैक्स इंस्पेक्टर सरकार के टैक्स इंस्पेक्टर नहीं थे, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे। अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस मसले पर गंभीर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, सीरियस विचार करने की ज़रूरत है। इस मामले में कानूनी कदम उठाने का अधिकार हम रखना चाहते हैं। वी रिजर्व दिस राइट टू थिंक एंड डू मोर ऑन दिस पॉइंट। हम प्राइवेसी के अधिकारी और जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, हम चाहते हैं कि वो भी इस मामले को आगे बढ़ाने में जो है अपना फोकस करें और इसमें जो है करेक्टिव एक्शन लाने की पूरी कोशिश करें। और अब आखिर में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारा सारा कारोबार पूरी तरह साफ सुथरा है। ऐसे में अगर हमारे ऊपर कुछ भी उलूल जुलूल, कोई इस तरह की सस्पिशन, कोई इस तरह की तोहमत, कोई इस तरह की एलिगेशन थोपने की कोशिश होती है, तो उसके खिलाफ़ हम
पूरी तरह से कानूनी स्टेप्स लेंगे अपनी अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिलहाल हम ये तमाम बातें इसलिए सामने ला रहे हैं कि ताकि ये जो लीक्स और ये जो ट्रोल्स और के ज़रिए जो बदनाम करने का मामला होता है, जिस तरह से एक कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, ये कोशिशें एकदम नाकाम हो जाएँ। और हम अपने मीडिया के साथियों को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि सरकारी जो बदले की कार्रवाई है, जो सरकार की स्टेट का जो वेंडेटा है, उसके खिलाफ वो बिल्कुल सतर्क रहें, अलर्ट रहें। इसके साथ ही हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। देखिए, हमको तो पिछले 24 घंटे में जो ग्राउंडवेल ऑफ सपोर्ट हमको मिला है, सोशल मीडिया पे हो या बड़े दिग्गज लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हों, इतना हमको सपोर्ट मिला है, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद, उनको थैंक यू कहना चाहते हैं। और हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है हम जमकर लड़ेंगे, और हारने के लिए हम इसको नहीं लड़ेंगे।